Hey guys, welcome to the experimental solution of English Unacademy. Let's crack Raisan exam with Unacademy, which is India's largest online platform. From here, you can choose subscription of India's top educators. India's top educators on Unacademy are below. You can find your educator from this list. To get subscription, what have you to do? Go to Play Store and search Unacademy learning app and install it. Create account and go to subscription. Choose any plan from the list. अगर आप 12 month का इस interface में से अगर आप course choose करते हैं तो ये आपको पड़ेगा 7000 का और 24 month का अगर आप choose करते हैं तो 8400 का पड़ेगा. अगर मैं बात करूं 12 month की तो ये 7000 में पड़ेगा. If you do payment using Liveroid promo code then you will get this course. जो आपको 7000 में था वही course आपको 6300 का पड़ जाएगा. ओके यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस. सबसे अच्छा फायदा यही है अनलिमिटेड एक्सेस. कितनी भी बार देखो आप, जितने दिन का आपका सब्सक्रिप्शन है किसी भी एजुकेटर की क्लास देख सकते हो. आप यहाँ लाइव टेस्ट भी दे सकते हो. स्ट्रक्चर कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है. तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टूडेज सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी. आई एम अजीत रॉय, मेमोरी एक्सपर्ट. आई हैव 10 ईयर्स एक्सपीरियंस. आई हैव टॉट इन मेनी रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स. माई ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस सो दैट लर्नर्स मे टेक द ग्रेड. हमारी क्लासेस के जो टाइमिंग है वो तीन है. पहला टाइमिंग, दूसरा टाइमिंग और तीसरा टाइमिंग. पहले टाइमिंग की अगर हम बात करें, ये पहला टाइमिंग बोले तो 11 बजे हमारा होता है. दूसरी क्लास हमारी 3 बजे होती है और क्लास हमारी 9 बजे होती है. पहली क्लास में हम वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं, मीनिंग एंड देयर यूजेस इन सेंटेंस. और सेकेंड क्लास में हम idiom phrases, लॉजिक विद यूजेस हम करते हैं. और तीसरी क्लास में हम ग्रामर, टॉपिक एंड एरर ये करते हैं, या एरर के बाद हम टॉपिक समझते हैं. ये सारी चीजें हम तीनों क्लासेस में करते हैं और एक क्लास 30 से 40 मिनट की होती है. तो आप इनमें से, मैं यही कहूंगा कि आप ये सारी क्लासेस ज्वाइन करें क्योंकि तीनों क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट है और आप यहाँ बोर नहीं होंगे. थैंक यू गाइज, लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. थैंक यू. आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉय मेमोरी एक्सपर्ट के साथ, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे idiom phrases. जैसा कि आपको पता है हम idiom phrases कैसे पढ़ते हैं. सबसे पहले वर्ड आपके सामने फ्रेज होगा, उसके बाद उसका मीनिंग होगा, उसका इंग्लिश मीनिंग होगा, सेंटेंस होगा और उसको याद करने का एक तरीका होगा. इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज के पहले idiom phrase आपके सामने है, टू गेट इनटू हॉट वाटर. इसका मतलब होता है परेशानी में पड़ना, टू बी इन डिफिकल्टी. तो जाहिर सी बात है ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बस इसको हथियाने की जरूरत है. बोले तो परेशानी में पड़ना, राइट ना, टू बी इन डिफिकल्टी या डिफिकल्टी में होना. तो भाई साहब गेट बोले तो पढ़ना, गेट इनटू का मतलब होता है पढ़ना. इज दैट क्लियर? गेट इनटू का मतलब होता है पढ़ना. और यहां हॉट का मतलब तो आपको पता ही है, गर्म. और कई लोग तो इसको कनेक्ट कर भी चुके होंगे, पड़ना गर्म, वाटर बोले तो पानी. आप अगर गर्म पानी में पड़ गए, गर्म पानी में गिर गए, पानी गर्म हो रहा है कहीं कढ़ाई में तगड़े वाले तरीके से और मान लो आप पड़ जाते हो उसमें, तो क्या होगा भाई साहब? वो आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी परेशानी होगी. आप कहेंगे साहब मैं तो पानी में पड़ गया, बोले तो परेशानी में पड़ गया, यू आर इन डिफिकल्टी, है ना. तो इफ यू ब्रेक द रूल ऑफ द रोड, अगर आप रोड के रूल्स को तोड़ोगे ना तो यू विल गेट इन टू हॉट वाटर. हॉट वाटर में पड़ जाओगे आप, परेशानी में पड़ जाओगे. यू कैन मतलब लर्न दिस idiom like is this, है ना. तो परेशानी से बचना है तो आप जो वाटर है हॉट वाटर उससे बचे, नहीं तो अगर आप पानी में पड़ गए ना बेटा तो गए काम से, आया ना थोपड़ा ऐसा हो जाएगा आधार कार्ड जैसा. वैसे हमारी हालत खराब है, फिर दोबारा गलती से आधार कार्ड बन गए तो और हमारी शकल सूरत अच्छी बिगड़ जानी है. तो भैया अगर परेशानी से बचना है तो गेट इनटू हॉट वाटर वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए. और ले लेते बेटा एक स्क्वायर पैग बनाया, क्यों भाई? क्योंकि राउंड होल में डालना है. व्हाट यू मीन? अरे मेरी बात सुन, स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर होता है एकदम एकदम, बोले भाई साहब बोलो ना, स्क्वायर होता है एकदम चौकोर. कैसे बना के बताओ? जैसे ये है मान लिया, इसके साथ एक लाइन और खींच दो मान लिया, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए बच्चों माफ कर देना, एक ऐसे खींच दी मान लिया, एक ऐसे खींच दी मान लिया, मान लो ये एक स्क्वायर के जैसे है.
है ना। ओके, अब यह रबड़ तो है नहीं जो मैं इसको मिटा दूं। अब इसको ए स्क्वायर पैग को एक राउंड होल में डालने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि कोई राउंड होल है, कोई गोल गोल सी चीज है। अब उस गोल गोल सी चीज में आप इसको कैसे डालोगे? जैसे मान लो मैंने ये गोल बना दिया, अब इसको मतलब स्क्वायर को इस होल में कैसे आप फिट करोगे? ये फिट ही नहीं होगा। एक स्क्वायर नाम की चीज बोले तो होल में, राउंड होल में फिट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाली चीज नौकरी के लिए अयोग्य है। तो इसका इतनी दूर से कनेक्शन कैसे बना? बिल्कुल बन सकता है। सामने वाली चीज नौकरी के लिए अयोग्य है, बिल्कुल बन रहा है इसका। आप देख लो, अनसुटेबल है फॉर द जॉब। अब इसको गौर से देखो, चेक करो इसको, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये वास्तव में ऐसा कुछ सेंस दे रहा है? स्क्वायर पैग ने राउंड होल बोला, राउंड होल में अगर आप स्क्वायर पैग अगर लगाने की कोशिश करोगे, यानी स्क्वायर बोले तो जो वर्ग होता है उसको अगर गोल गोल में अगर आप डालने की कोशिश करोगे, तो क्या आपको लगता है वो उसमें फिट होगा? अगर वो उसमें फिट ही नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हो गाइज कि वो नौकरी के लिए अयोग्य है? वो योग्य ही नहीं है। आया ना, नौकरी के लिए अयोग्य हो गया वो तो। अयोग्य मतलब कहने का, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ इस बात का, आपको ऐसे ही कनेक्शन बनाना है इस बात से कि भैया स्क्वायर पैग जैसे राउंड होल में नहीं आता, वैसे आप हमारी नौकरी में फिट नहीं बैठ पाओगे। इसलिए वी आर सॉरी, हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, इसलिए हम माफ कीजिएगा। तो भैया बढ़िया, ये तो बेइज्जती वाला सीन हो गया बेचारे का। कोई बात नहीं, होने देना। तो जैसे यू आर ट्राइंग टू गेट ए स्क्वायर पैग इनटू ए राउंड होल, लेट मी डू इट इंस्टीड। आया ना, ये इसका सेंटेंस है, आप इसको सेंटेंस से समझ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ओन्स बोले तो वन, बोले तो खुद का, चेंज करना पड़ेगा पेन, बोले तो ओन, बोले तो खुद का, राइट ना? बोले तो ट्रम्प, खुद का ट्रम्प, यानी ट्रम्प खुद का पेट, पीट पीट के ट्रम्प खुद का पीट पीट के अपनी स्वयं की प्रशंसा करता है कि देखो मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। तो बोले तो स्वयं की प्रशंसा कौन कर रहा है भैया ऐसी स्थिति में? आप कहोगे भैया ट्रम्प कर रहा है। कैसे कर रहा है? ओन ट्रम्पेट, अपना पीट पेट पीट पीट के ट्रम्प जो है अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा है, सेल्फ प्रेज कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इज दैट क्लियर? बताओ, अब इसका सेंटेंस भी देख लो। द क्रू ट्राई टू ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट बट द मैनेजर डिड नॉट, द मैनेजर डिड नॉट, द मैनेज द मैनेजर। देखो ये दो बार आ गया, ये मिस कंप्यूटराइज मिस्टेक है, तभी तो मैं सोचू ये हो क्या रहा है। देखो, द क्रू ट्राई टू ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट बट द मैनेजर डिड नॉट बाई देयर स्टोरी। इज दैट क्लियर? तो यहां ये इसका सेंटेंस था सेल्फ प्रेज का, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, जिसका मतलब होता है स्वयं की प्रशंसा करना, स्वयं की क्या करना? प्रशंसा करना। आगे चलो, स्वान, SWAN। अब इसका काम क्या है? इसका काम बहुत ही दुखदाई है। एक जो स्वान होता है ना, स्वान, वो जब भी मरणा अवस्था में होता है तो वो एक सॉन्ग गाता है, और वो सॉन्ग तब भी गाता है जब उसको लगता है कि मेरी जिंदगी के अंतिम दिन है। तो अंतिम दिनों में वो सॉन्ग गाने की कोशिश करेगा साहब। बोले तो अंतिम शब्द, बोले तो लास्ट सॉन्ग, उसका जो लास्ट सॉन्ग होगा उस लास्ट सॉन्ग की वजह से ही हम उसको अंतिम शब्द से कनेक्ट करें, अंतिम शब्द से हम कनेक्ट करें। बोले तो लास्ट वर्ड्स फॉर ए पर्सन, यानी कि स्वैन सॉन्ग कहते हैं। तो समवन स्वैन सॉन्ग्स यूजुअली इज ऑल्सो समवन स्वान सॉन्ग, मतलब स्वान सॉन्ग यूजुअली इज ऑल्सो कंसिडर दैट पर्सन फिनिश्ड वर्क। इज दैट क्लियर? बोले तो वो उसके शब्द जो है वो कैसे हैं? अंतिम है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको इनको कनेक्ट करना पड़ेगा भैया, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास में इनसे भी जबरदस्त जबरदस्त वाले, इजी वाले, हंसी मजाक वाले भी इडियम फ्रेजेज हैं, बट मुझे थोड़ा सा उनको बचा के रखना पड़ेगा नेक्स्ट क्लासेस के लिए। तो यहाँ तो आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़े थोड़े कुछ मैंने ऐसे लिए हैं जो डिफिकल्ट है, और इसमें इसी लिस्ट में कुछ ईजी भी आएंगे। हाँ यार, तो बुरा मत मानना आप। एक बच्चे ने अपनी माँ से बोला था कि माँ, माँ से क्या बोला, मतलब वो बात कर रहा था किसी से, माँ पीछे खड़ी थी, बोला कि यार मैं तो मेरी माँ के लिए ना
एक ऐसी लड़की लाऊंगा, एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरी बूढ़ी माँ की सेवा करे। माँ ने ये बात सुनी नहीं कि उसने दो चार चांटे उसके मतलब गाल पे जड़ दिए तगड़े तरीके से। तो लड़का बोला, माँ क्या हुआ? तो माँ बोली, तू बूढ़ी किसको बोला बे, तू बूढ़ी किसको बोला बे। तो भैया देखो, ये भलाई का जमाना ही नहीं है, एक तो बच्चा सेवा कर रहा है, माँ चांटा और लगा दी, है ना। तो अगला और है बैग एंड बैगेज, मुझे इसमें भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बोले तो बैग एंड बैगेज का मतलब है कि भैया बोरियां बिस्तर से, अपना बैग उठाओ, बैग उठाओ और गेज उठाओ, बैग और गेज बोले तो सब उठाओ, बोले तो यहां से निकलो, वो भी पूरे सामान के साथ। तो पूरे सामान के साथ यहां से निकलो विद ऑल बिलोंगिंग्स, है ना। तो ही थ्रू हर आउट ऑन टू द स्ट्रीट बैग एंड बैगेज। भैया समझ में आ रही है कि नहीं बात? बैग एंड बैगेज तो हम सभी जानते हैं, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरियां बिस्तर सहित, बोले तो पूरे सामान के साथ, विद ऑल बिलोंगिंग, जो भी आपसे बिलोंग करता है उन सब के साथ। ओके, आगे चलिए। टू पुल स्ट्रिंग्स, इसका मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना। अप्रत्यक्ष बोले तो इनडायरेक्टली आप किसी को प्रभावित कर रहे हो अपना काम निकलवाने के लिए। टू पुल स्ट्रिंग्स उसे कहते हैं। इसका मतलब टू, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा और पेन वापस आ जाए। टू सिक्योरेट, टू सिक्योरेटली यूज योर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, इन्फ्लुएंस विथ विथ कोई इंपॉर्टेंट बड़ा आदमी होता है ना, उसके साथ, इंपॉर्टेंट पीपल इन ऑर्डर दैट, इस प्रभाव से, इस वजह से, ऑर्डर दैट टू गेट वॉट, टू गेट वॉट यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। ऐसे इनडायरेक्टली किसी को प्रभावित करना, और टू हेल्प समवन एल्स, समवन एल्स किसी की हेल्प करना। तो टू सीक्रेटली यूज योर इन्फ्लुएंस विद, अपना प्रभाव आप किसी को दिखा रहे हो, किसी बड़े आदमी पर, आया ना। तो ये उससे रिलेटेड है, इज दैट क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम इसको हिंदी में और क्या क्या कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित तो ये हो ही गया, या फिर और क्या हो सकता है, राइट ना। तो मैं आपको और एक बता देता हूं, कोई बात नहीं, टू पुल मतलब इसका। चलिए यहां मैं लिख देता हूं लाइन खींच के, बहुत ही प्यारे में एक लाइन खींच देता हूं इधर, यहां पर ये मैंने खींच दी है एक लाइन। अब मैं यहां टू पुल स्ट्रिंग का मतलब लिख देता हूं, टू पुल स्ट्रिंग का नीचे मतलब लिख देता हूं कि भैया पुल स्ट्रिंग्स का मतलब और क्या हो सकता है। तो जरा देखिए, अपने फायदे के लिए प्रभाव का इस्तेमाल करना, यानी कि आप अपनी रेपुटेशन, अपना जो प्रभाव है ना, आपके पास जो भी कुछ है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो अपने फायदे के लिए कर रहे हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो किसी पोस्ट पर है, किसी मतलब नौकरी करता है, तो और वो नौकरी करता है और वो आपसे किसी काम के लिए कह रहा है, यार भाई साहब ये काम कर दो, और आप उसका काम इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि उसका कोई ना कोई प्रभाव है, तो वो इनडायरेक्टली आपसे इस तरह से कोई काम करवा रहा है, तो उसे कहते हैं पुल स्ट्रिंग्स। तो ये पुल और स्ट्रिंग के बीच में ऐसे भी आ सकता है, सम और फ्यू, तो घबराना मत, ये एक ही चीज है। तो टू पुल स्ट्रिंग्स, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना। तो मैनी पीपल सस्पेक्ट दैट मेजर कॉरपोरेशन आर रियली पुलिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। फुल स्टॉप मैंने यहाँ लगा दिया। तो ओवरऑल इस बात को आप समझ गए होंगे कि टू पुल स्ट्रिंग्स में हम बहुत ज्यादा मजाक नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना, राइट। आपको अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रभावित करना है, जैसे आधार कार्ड में हम प्रभावित करते हैं हमारे फोटो को दिखा करके, हम होते कुछ और हैं, हमारा दिखा कुछ और दिया जाता है। तो अर्ज किया है, वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी, वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी, मगर तुम आधार कार्ड पर अड़े रहना, हे वीर तुम आधार कार्ड पर अड़े रहना। तो भैया बात ये है कि आपको कोई भी अगर गुमराह करने की कोशिश करे ना, तो आप अपने हिसाब से अड़े रहना,
किसी की पावर से आप मत होना। फेस टू फेस यार, अरे फेस टू फेस बात करना मेरे से, ज्यादा बकवास कर रहा है। तो ये तो सीधा सा समझ में आ गया यार, फेस टू फेस बात कर। तो ये तो इसमें तो कोई माथा बोड़ी करनी ही नहीं, बोले तो व्यक्तिगत रूप से, बोलो हाँ या ना। बस व्यक्तिगत रूप से पर्सनली ये आपका रिवाइज हो गया, बस ये इसका इंग्लिश वर्ड ध्यान में रखना है। तो राज एंड गीता डिसाइडेड, राज और गीता ने डिसाइड किया टू डिस्कस फेस टू फेस, बोले तो व्यक्तिगत रूप से डिस्कस करने का उन्होंने डिसाइड किया। आया ना, आगे चलिए। टू द बिटर एंड, इसका मतलब होता संघर्ष जारी रखना लास्ट तक। और ऐसा होता है कई कई बार, आपको पता है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा मतलब बीमार है, हमें पता है वो नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी उसकी अंतिम सांस तक हम उसकी मदद करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं, बोलो हाँ या ना। तो हम हमारा संघर्ष उनके साथ में जारी रहता है, तो हम इसको उससे कनेक्ट करेंगे। तो प्रभावी तौर से आप देखेंगे भाई साहब मेरे साथ में चलते हैं, टू द बिटर एंड, संघर्ष जारी रखना। तो बताइए पहले हम इसका याद कर लेते हैं क्या, कि इसको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मुझे आप सब कमेंट करके बताओ गाइस, जितने भी यहाँ ये क्लास ले रहे हैं, बिटर का मतलब क्या होता है? नहीं पता, मैं बताता हूं, कड़वा। बिटर का मतलब होता है कड़वा और अंत तक, कड़वा और अंत तक। ये कड़वा सच है, मैं अंत तक संघर्ष जारी रखूंगा, ये कड़वा सच है, ये कठोर सच है, ये कटु सत्य है। आया ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी क्या समझाया कि आपको ये पता है कि सामने वाला कैंसर से परेशान है, बीमार है, और आपको पता है ये शायद ही बचेगा, लेकिन फिर भी आप उसकी पूरी ईमानदारी से, पूरे मतलब मन से सेवा कर रहे हो, ये जानते हुए भी, कड़वा सच जानते हुए भी कि बिटर एंड है, कड़वा सच है कि उसका एंड होगा, लेकिन आपका संघर्ष फिर भी जारी था। तो कहने का मतलब बिटर एंड जानते हुए भी, कड़वा सच जानते हुए भी आपने अपना संघर्ष जारी रखा। टू कैरी ऑन ए कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट है ना, तो कोई कॉन्टेस्ट में आप कैरी कर रहे हो और आपको पता है आप हारने वाले हो, बोल बात समझ में आएगी नहीं, तो उसे कहते हैं संघर्ष जारी रखना, टू द बिटर एंड। इज दैट क्लियर? बहुत नॉर्मल है, ज्यादा कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। संघर्ष जारी कब तक रखते हैं? ऐसा हम लोगों के साथ में होता है, हम जब रूम लेकर के किराए से हम रहते थे ना, तो भाई साहब हम बर्तन तब तक नहीं मांजते थे जब तक कि चाय कढ़ाई में बनाने की स्थिति में ना आ जाए, बोले तो जब तक चाय कढ़ाई में, कढ़ाई जो होती है ना उसमें बनाने की स्थिति में हम ना आ जाए तब तक नहीं मांजते थे। हमारा संघर्ष उन्हीं के साथ में जारी रहता था, करो यार कोशिश, करो यार को, फिर लास्ट में फिर हम बाद में जाकर के फिर लगता था यार स्थिति खराब है। कभी कभी तो हम कटोरी में रख करके ही बना लेते थे, कटोरी को ही रख देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हुए भी फिर भी हम संघर्ष जारी रखते हैं, जूझते रहते हैं, करते रहते हैं काम, मानते नहीं है। हाया ना। चलिए, ओपन सीक्रेट, भैया ओपन है, खुला है, कोई सीक्रेट है ही नहीं, सभी को मालूम है। तो जो आपका सीक्रेट था वो अब ओपन है, आपका जो सीक्रेट था, जो आपका रहस्य था, वो अब ओपन है। ओपन बोले तो खुला है, तो इसका मतलब वो सभी को मालूम है। सो टेंशन किस बात की, नॉन टू ऑल है। तो बस, तो सेंटेंस, इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट द सिक्योरिटी सर्विसेज बग्ड टेलीफोन्स एलोसा। क्या याद रखना, ये तो क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला आपके सामने है, बहुत शानदार, और कोई कमेंट करके मुझे बताइए कि आप जानते हो कि इस कितने लोग इसको जानते हो, है ना। नहीं पता चला, मैं बताता हूं, POUR, एक एक को याद करेंगे पहले। POUR जिसका मतलब होता है, बोले तो कोई चीज बह रही है, बहना, ठीक है ना, कोई चीज बह रही है पानी की तरह, वाटर बोले तो पानी की तरह। अच्छा, कोई चीज बह रही है, अब बहती हुई चीज में आपने क्या ऑयल डाल दिया, अब क्या होगा बताइए। आपको ये जो वर्ड दिख रहा है, ट्रेवल जो वर्ड दिख रहा है, इस ट्रेवल का मतलब क्या होता है, परेशानी, तकलीफ, अशांति, आया ना, या कोई किसी में अशांति है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन में है, चिंता में है ना, उबाल में है, कलेश में है ना, कोई मतलब संकट है उसको किसी तरह का। तो आप इसको उससे कनेक्ट करो कि कोई उबाल में है, कोई टेंशन में है। तो जब हम कोई किसी कढ़ाई में है, कढ़ाई में किसी भगोनी टाइप में जब हम दाल उबालते हैं,
तो अगर आप उसमें दाल डालोगे धीरे 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 वो उससे बाहर निकलेगी और वो उफनेगी, उसका पानी बाहर बहेगा। तो दाल में जो पानी था वो बहेगा बोले तो बाहर, तो हम क्या करेंगे उस पर ऑयल डाल देंगे, आया ना। तो बहते हुए है ना, POUR, आपके सामने ये वर्ड है POUR, पॉर है ना, ये पॉर है, पॉर, ठीक है ना, पॉर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या हुआ, वैसे आप इसको रेको ना पढ़ो तब भी चलेगा, या हम ज्यादातर तो अगर अगर हम बात करें ना वहां के यूएसए के लोगों की, तो वो तो पॉ ऐसे ही पढ़ेंगे इसको, पॉ तो पॉ ऑयल बोले तो आपने बहते हुए पानी पर, ट्रेवल बोले तो उबलते हुए पानी पर बोले तो आपने क्या कर दिया, ऑयल डाल दिया। अब ऑयल डाल दोगे तो वो उबलना बंद कर देगा, बोलो हाँ या ना, उबलेगा नहीं, इसका मतलब आपने उसके गुस्से को शांत कर दिया है ना। तू पेसिफाई बोले तो पेसिफाई कर दिया, द एंगर बोले तो उसके गुस्से को। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि किसी की कोई ट्रेवल, कोई परेशानी है, आप परेशानियों में कोई चल रहा है, बहरा है, तो उसको पो ऑयल कर दिया आपने, ऑयल डाल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी परेशानियां बह गई सारी, आया ना। तो ये इस तरह से आपको याद रखना। देखो इडियम फ्रेजेस में ये बहुत सारे इडियम फ्रेजेस ऐसे होते हैं कि इनके इनके सकल सकल इनके सकल सूरत देख लो ना, तो बोले तो कोई आदमी कमजोर सा आदमी हो तो स्ट्राइड कर ले मर जाए वहीं। तो ऐसे ऐसे इडियम फ्रेजेस आपके सामने होते हैं। अब जैसे ये आ गया हेल एंड हार्टी, पूर्ण रूप से स्वस्थ। अब इसमें तो आप में से तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तो हेल वर्ड का ही मतलब नहीं पता होगा, अगर पता है तो बता दो, नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूं। देखो अगर आपको इस वर्ड का ही पता हो तो ये आ ही जाएगा, इसका मतलब होता है तंदुरुस्त। इसका मतलब क्या होता है, तंदुरुस्त। तंदुरुस्त बोले तो हट्टा कट्टा, आप ऐसे भी कह सकते हो तंदुरुस्त, जो हट्टा कट्टा होता है, हट्टा कट्टा, हाँ ना। और ये HERT का मतलब कमेंट करके बताओ, HERT का मतलब क्या होता है, नहीं पता क्या, तो मैं आपको बता देता हूं, बोले तो हृदय से, बोले तो हृदय से, यानी सच्चा, बढ़िया वाला सच्चा, या हृदय से अपन उसको बोलते हैं ना, हार्दिक सच्चाई से, मतलब अपन इसको जोरावर भी कह सकते हैं है ना, इस वर्ड को हम बलवान भी कह सकते हैं, ये एक्चुअली में बलवान के सेंस में भी यूज होता है, ये वर्ड आपका बलवान के सेंस में भी कई कई बार यूज होता है, ध्यान रखना है, इसका बलदायक के सेंस में भी यूज होता है। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर जब इसका हेल का और हर्टी का मतलब बलवान और हट्टे कट्टे से रिलेटेड है, तो बलवान और हटकट्टा वही होएगा जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। अब बताओ इसमें कहाँ दिक्कत है, अगर इसका मीनिंग पता है ना, तो आराम से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। और अगर इसका मीनिंग ही नहीं पता तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें लॉजिक क्या लगाना, बस मीनिंग याद रख लो। हेल, व्हाट द हेल है, आपसे पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह जाता यार, व्हाट द हेल यार, लोगो मतलब लोग तो देखो यार, कोरोना में घर पे नहीं रुक सकते यार, पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में भी दिक्कत है उनको धूल से, है ना। तो हेल्दी एंड साउंड, हेल्दी एंड साउंड, तो ये हो गया। हर ग्रैंड फादर वॉज हेल एंड हार्टी, वॉकिंग 5 miles ईच डे बिफोर ब्रेकफास्ट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए आपको व्हाट द हेल, आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहा जाता, हाँ या ना। चलिए टर्न ओवर ए न्यू लीफ, नया अध्याय शुरू करना, और सच बात है ये, तो यहां भी आप इसका ट्रिक जानोगे क्या। टर्न ओवर बोले तो टर्न हो गया, बदल गया है ना, ओवर बोले तो एक नई लीफ, बोले तो नई लीफ पे बदल गया, बोले तो पुराना हटा, बोले तो पुराना जो था वो तो टर्न हुआ और न्यू लीफ उसकी जगह पे नई लीफ आई, इसका मतलब नया अध्याय शुरू हो रहा है भाई, टू स्टार्ट ए न्यू कोर्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ ये इससे ही आपको समझ आ जाएगा कि टर्न ओवर कर दिया आपने नई लीफ को, बोले तो कोई पेड़ जो होता है अपनी पुरानी पत्ती छोड़ के नई लीफ ले आता है ना, तो आप उससे समझ जाते हो कि हाँ बेटा उसने नया अध्याय शुरू कर दिया है, दोबारा से उसने चीजें स्टार्ट कर दी है। तो कहने का मतलब ही हैज नॉट बीन इन ट्रबल दिस ईयर, ही हैज रियली टर्न ओवर ए न्यू लाइफ, है ना। तो ये लीफ तो इसका मतलब है कि उसने वापस से नया अध्याय स्टार्ट कर दिया है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, और बोलो आपको अगर कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि ही हैज रियली टर्न ओवर ए न्यू लीफ। चलें आगे, लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स,
बीती हुई बुरी बातें भुला देना है ना, जो हुआ वो होने जो हुआ उसे भूल जाओ, है ना। लेट बाई बोले तो गॉन, बोले तो जाने दो। बी गॉन जो हुआ, बी का मतलब है होना, तो आप यहाँ लोगे हुआ। लेट बोले तो जाने दो, होने दो, जाने दो, क्योंकि इसके साथ गॉन है ना, तो जाने दो। जो हुआ बोले तो बीतती हुई पुरानी बातों को, बुरी बातों को भुला देना है ना। फॉरगेट द अनप्लीजेंट पास्ट, बोले तो बेकार जो पास्ट आपकी जिंदगी में रहा है ना, बोले तो उसको आप ना भुला ही दो, बढ़िया रहेगा। तो लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स, तो दे डिसाइडेड टू लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स एंड मेड पीस विद ईच अदर। एलो साहब, उन्होंने डिसाइड किया कि बीती बातों को हमें, बीती बुरी बातों को भुलाना है और हमें ईच अदर को पीसफुली। चलिए, राइट हैंड मैन, दायां हाथ सबसे सक्षम रसायक होता है। वास्तव में हमारे जितने भी लिखना, खाना पीना, बोले तो जो भी होता है वो सीधे हाथ से होता है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट हैंड होता है, वो हमारा राइट हैंड जो होता है वो सबसे अच्छा सहायक होता है। इसलिए कहते हैं ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड किसको कहा जाता है? राइट हैंड मैन, बोले तो दायां हाथ सबसे सक्षम होता है, उसका मतलब जो मैन पावरफुल होता है। मेरी तो असली भुजा वही है, मेरा असली साथी वही है। इसलिए कहते हैं दायां हाथ सबसे सक्षम सहायक है, मोस्ट इफिशियंट असिस्टेंट है वो आपका। तो आई एम हिज राइट हैंड मैन, मैं उसका दायां हाथ हूँ। बोले तो मैं उसका सबसे सक्षम दोस्त, मतलब सक्षम व्यक्ति हूँ या असिस्टेंट हूँ, है ना। उसके लिए अपन ये हम यूज करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो इसके लिए राइट हैंड। तो चलो हम इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। चलिए, हमारा स्टार्ट हुआ था कहाँ से? गेट इंटू हॉट वाटर। तो गेट इंटू हॉट वाटर एक बार रिवाइज कर लो, ताकि आपको यहीं के यहीं याद हो जाएंगे सब लोग। बोले तो आप गर्म पानी में पड़ गए, बोले तो परेशानी में पड़ गए आप, डिफिकल्टी में पड़ गए। आपने राउंड होल में स्क्वायर पैग रखने की कोशिश करी, वो फिट नहीं हुआ, मतलब वो किसी चीज के लिए फिट नहीं था, नौकरी के लिए योग होना कह लो या किसी काम में फिट ना होना कह लो। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, बोले तो ट्रम्पेट पीट अपना पेट पीट पीट के अपनी स्वयं की प्रशंसा करता है, सेल्फ प्रेज करता है ना। स्वान जो है वो सॉन्ग जब गाता है ना, समझ लो उसके अंतिम दिन चल रहे हैं, वो उसका अंतिम शब्द होता है, वो लास्ट एक ही बार जिंदगी जब उसकी गुजर रही, मतलब जिंदगी से जब वो जा रहा होता है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तभी वो अपना गाना गाता है। स्वान के बारे में ऐसा कहा जाता है, वो उसके लास्ट वर्ड होते हैं। बैग एंड बैगेज, तो आपको पता चल गया पूरे सामान के साथ। पुल स्ट्रिंग्स, आपको समझ में आ गया अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर देना किसी चीज को, है ना। पुल स्ट्रिंग, बोले तो इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, मैं आपको भूल गया इसकी ट्रिक बताना, अब मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं। पुल बोले तो खींचना, पुल बोले तो खींचना, और स्ट्रिंग बोले तो आपको यहां पेन चेंज करना पड़ेगा, स्त्री। ऐसे गाइस कई कई बार ध्यान नहीं रहता, बहुत सारी चीजें अपने रह जाती हैं। और यहां एक और वापस मुझे पेन लेना पड़ेगा अलग कलर का, और रिंग। तो आपने अपनी स्त्री, बोले तो आपने किसी स्त्री की, बोले तो एक उसका आदमी होने के नाते, उसका पति होने के नाते, उसके हाथ में से उसकी स्त्री की रिंग खींच ली। बोले तो आप उस पर अपना प्रभाव जमा रहे हो, आपको लगता है आप पति हो इसलिए उससे खींच लोगे। तो आपने उससे रिंग ले ली और उसको गिरवी रख दिया जाके कहीं, और उससे आप अपने मतलब कर्जे चुका रहे हो। तो आपने क्या किया, आप अपना तो फायदा निकाल रहे हो, राइट ना, और प्रभावित कर रहे हो अप्रत्यक्ष रूप से कि मैं पति हूं, जबकि आप उसके पति हो मान लिया, आप पति होने का उस पर प्रभाव डाल रहे हो, ठीक है। पुल स्ट्रिंग्स कर रहे हो आप उसको, बोले तो अपने फायदे के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। इसलिए आपने उस स्त्री के रिंग को लिया, तो आपको लेना नहीं चाहिए था। तो खींचना, बोले तो स्त्री के रिंग को आपने कैसे खींचा, पुल स्ट्रिंग्स। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो टू इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली, इन्फ्लुएंस बोले तो प्रभाव दिखाना इनडायरेक्टली, है ना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव दिखाना। फेस टू फेस, ये आपको क्लियर हो गया, व्यक्तिगत रूप से पर्सनली, है ना, राजन गीता ने डिसाइड किया, ठीक है। टू द बिटर एंड, बिटर बोले तो कड़वा सच है, कड़वा सच है कि हमारा सबका अंत होगा, लेकिन फिर भी हम सब अपना संघर्ष जारी रखेंगे। टू कैरी ऑन ए कॉन्टेस्ट, खेलते रहेंगे हम, खेलते रहेंगे। हल्की सी हो चुकी हैं नाजुक पलकें मेरी, हल्की सी हो चुकी हैं नाजुक पलकें मेरी, मुद्दतों बाद इन नजरों से गिरा है कोई, मुद्दतों बाद नजरों से गिरा है कोई। तो उसी तरह से अपना तो भैया कोई ओपन सीक्रेट है, वो सबको मालूम है, नॉन टू ऑल।
इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट द सिक्योरिटी सर्विसेज बग टेलीफोन सभी को मालूम है, हाँ ना। चलिए, टूपॉक ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, उबलते हुए पानी पर, परेशानियों में जो जूझ रहा है, परेशान बोले तो उबलना, गर्म होना, ज्यादा परेशान जो होता है आदमी गर्म हो जाता है, उसको ट्रबल वाटर, उबलते हुए पानी पे आपने ऑयल डाल दिया तो वो उफनेगा नहीं, शांत हो जाएगा। बोले तो कभी भी देखना, आप दाल बनाओगे अगर वो उफनने से बचाना है तो उसमें ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और आपकी दाल जो है वो आराम से सीजती रहेगी, उबलेगी नहीं। ये प्रैक्टिकल हमें इसलिए आते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट्स लाइफ से गुजरे हुए हैं। हमारी जब दाल उफनती थी तो हम या तो वहां खड़े हो जाएं चम्मच लेकर के, जो जो उसमें झाग आए उनको साइड में करते चलें, पर या तो दाल ही बना लो या उसके साथ में दूसरा काम ही कर लो, और एक साथ इतना इंतजार होता नहीं है, तो एक तरफ दाल चलने दो और एक तरफ आटा लगने दो। तो हम दाल में क्या, पहले ऑयल डाल देते थे, तेल डाल देते थे सरसों का एक ढक्कन, पर उससे वो उबलता ही नहीं था, वो मतलब उबलता था लेकिन बाहर नहीं निकलता था। हमारी क्या है कि वो जो अपने आप चूल्हा हुआ करता था वो खराब नहीं होता था, क्योंकि दो दो तीन तीन महीने हो जाते थे उसको धोने में चूल्हे को, तो खराब नहीं होने देते थे। तो व्हाट द हेल, आपसे स्वस्थ नहीं रह जाता, बाहर निकलते हो, शर्म नहीं आती आपको, हेल एंड हार्टी, है ना। अच्छे है ना इडियम फ्रेजेस, देखिए आप। तो टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, बोले तो आपने टर्न ओवर ए न्यू लीफ कर लिया, नया अध्याय शुरू कर लिया, टू स्टार्ट ए न्यू कोर्स ऑफ लाइफ। तो ही हैज नॉट बीन इन ट्रबल दिस ईयर, ही हैज रियली टर्न ओवर ए न्यू लीफ, है ना, उस तरह से। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन, जो हुआ बुरा वो आपके साथ पास्ट में उसको भूल जाओ, फॉरगेट द अनप्लीजेंट पास्ट। राइट हैंड मैन, जो आपकी जिंदगी का राइट हैंड मैन है ना, वो आपके हाथ, वो आपका दायां हाथ है, दायां हाथ हम कहते हैं, वो सबसे पावरफुल असिस्टेंट है आपका। इज इट क्लियर गाइस? चलिए अब हम बाकी के idiom phrases पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं, बाय बाय।